हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 6 की अभ्यास है हमारे पास, हमारा पर्यावरण, और उसका चैप्टर है 3। ठीक है, तीसरे चैप्टर का नाम है अपशिष्ट एवं उसका निस्तारण। तो इस चैप्टर का आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में सॉल्यूशन कराऊंगी। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इस चैप्टर की अभ्यास। ठीक है, अभ्यास है हमारे पास, देखिए इधर अभ्यास है हमारे पास। अभ्यास में हमें प्रश्न नंबर 1 दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का प्रश्न है, अपशिष्ट किसे कहते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर का क्या है, अपशिष्ट किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा, मनुष्य एवं अन्य जीवों के दैनिक क्रियाकलापों के फलस्वरूप निकलने वाले अनुपयोगी पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, खा प्रश्न है हमारे पास, ठोस ध्रुव एवं गैसीय अपशिष्ट में अंतर बताते हुए इसके दो दो उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं, तरल रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ द्रव अपशिष्ट कहलाते हैं, गैस या धुआं के रूप में पाए जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ गैसीय अपशिष्ट कहलाते हैं, फल सब्जियों के छिलके प्लास्टिक के टुकड़े आदि ठोस अपशिष्ट हैं, नालियों और सीवर का गंदा पानी, चमड़ा शोधन तथा अन्य उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला जल द्रव अपशिष्ट के उदाहरण हैं, वाहनों से निकलने वाला धुआं कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं गैसीय अपशिष्ट का उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास गा प्रश्न, इसमें क्या दिया है, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत क्या हैं। तो इसका उत्तर होगा, गैसीय अपशिष्ट पदार्थ के स्रोत हैं लकड़ी, कोयला, कारखाने, परिवहन के साधन, मरे हुए जीव जंतु, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि। ठीक, उसके बाद हमारे पास घा प्रश्न है, अपशिष्ट संग्रह के दुष्प्रभावों को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर होगा, अपशिष्ट संग्रह पर्यावरण के लिए अत्यंत हानिकारक हैं, ये मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं। दिसंबर 1984 में गोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड पेस्टिसाइड फैक्ट्री से मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग इसके कारण कैंसर, सांस फूलना, सिर दर्द, अंगों का सुन्न होना जैसी अनेक बीमारियों से ग्रसित हो गए। इस घटना के बाद फैक्ट्री से कचरे के रूप में घातक रसायन निकले जिसने आसपास की मिट्टी और जल को प्रभावित किया। इन अपशिष्ट का दुष्प्रभाव आज भी वहां की पीढ़ियों में देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, सोकपिट बनाने की विधि लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, सोकपिट बनाने के लिए जमीन में एक 5-6 फीट गहरा चौकोर गड्ढा खोदा जाता है। इस गड्ढे की तली पर ईंट तथा पत्थर के टुकड़े डालकर उनको बालू की परत से ढक दिया जाता है। इसके बाद इसे नाली द्वारा पानी बहने के साथ से जोड़ दिया जाता है तथा ऊपर से ढक दिया जाता है। इस प्रकार सॉकपिट बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, ई कचरा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, ई कचरा से तात्पर्य है इलेक्ट्रॉनिक कचरा जो ऑफिस एवं घरों से निकलता है। इसके अंतर्गत खराब कंप्यूटर, मोबाइल फोन, सीडी, बैटरी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी आदि आते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है, कारखानों से निकलने वाले जल को नदियों में बहाने से पहले क्या उपाय करने चाहिए। इसका उत्तर होगा, कारखानों से निकले जल को उचित उपचार करने के बाद ही नदियों में बहाना चाहिए जिससे कि नदियों का जल दूषित ना हो। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है, जा प्रत्येक घर में शौचालय होना क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर होगा, मल मूत्र के उचित निस्तारण तथा गंदगी से बचने के लिए प्रत्येक घर में शौचालय होना आवश्यक है। उसके बाद है हमारे पास अभ्यास में दूसरा प्रश्न, सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत चिन्ह लगाइए। तो देखो, का है, उद्योगों से विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं।
तो ये बात क्या है हमारी? सही, ठीक है, क्या है? सही। उसके बाद अगला है, अपशिष्ट पदार्थों से हमारा पर्यावरण दूषित होता है। सही। अपशिष्ट पदार्थ ठोस, द्रव एवं गैस के रूप में होते हैं। ये भी क्या है? सही। उसके बाद है, देखो घा है, घरेलू कूड़े कचरे का निस्तारण आज प्रदूषण की समस्या नहीं है। ये चीज गलत है, ठीक है। उसके बाद डा है, प्लास्टिक एवं पॉलीथिन आसानी से सड़ती हैं। गलत बात, ठीक। उसके बाद हमारे पास है, सही मिलान कीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? सही मिलान कीजिए। का है बायोगैस, बायोगैस को किससे मिलाएंगे हम? जैविक अपशिष्ट। और कंपोस्ट खाद, ये क्या है? फलों सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां। उसके बाद गैसीय अपशिष्ट को किससे मिलाएंगे? धुआं से। उसके बाद जल निकास तंत्र में बाधा, इसे किससे मिलाएंगे हम? पॉलीथिन से, ठीक। अपशिष्टों से पुनः उपयोगी सामान बनाना, पुनः चक्रण, ठीक। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। धन्यवाद।